हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 14। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तच्चा दृढव्रतः नमस्यन्तच्च मम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तु माम। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कृष्ण का सतत कीर्तन करना चाहिए। सतत मतलब 24 घंटा। तो ये भक्तों का जो है लक्षण है, शुद्ध भक्तों का। तो कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, जो आम जनता है, क्या हमेशा भगवान भगवान करते रहते हो? कई लोग ऐसे बोलते हैं, तो बस भगवान को बस सुबह सुबह कर लो, बस हो गया। लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं करते। कृष्ण ने ही नहीं कहा कि प्रातयंत कीर्तयंतु माम या संध्यायाम कीर्तयंतु माम। तो भगवान ने यही कहा, सततम, हमेशा। तो भगवान ने जो कहा है, यही शिक्षा हमारे आचार्यों ने हमें दिया है कि सततम कीर्तयंतु माम। कृष्ण कहते हैं ये महात्मा, कौन महात्मा? जो भगवान को भगवान मानते हैं। कृष्ण का भौतिक जगत में अपने धाम से अवतरण होने पर भगवान को मनुष्य नहीं मानता है, और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं? नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। हम कोई भी प्रयास करें, उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। और जब हम दृढ़ संकल्प होते हैं, तो हमें तपस्या भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचूं कि हर रोज मुझे सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करना है, उसके लिए दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। और फिर जो है मुझे समय से सोना होगा, और समय से उठ के मन नहीं भी करे स्टार्टिंग में उठने का, तो उठना होगा, और फिर जप करना होगा। तो ये इसके लिए तपस्या की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तपस्या क्या है? जब आपने शरीर को तपाया, मन को भी तपाया, और फिर भी आपने वो कार्य करा। तो ये महात्मा ऐसे होते हैं, नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। कृष्ण कहते हैं मुझे नमस्कार करते हुए, और भक्ति भाव से क्या करते हैं वो लोग? निरंतर मेरी पूजा करते हैं 24 घंटा। तो सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर महात्मा के लक्षण का वर्णन हुआ है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। तो एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से महात्मा वो नहीं है जो सिर्फ जन जन जनगण की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, या देश की सेवा करते हैं। महात्मा बनने के लिए कृष्ण की सेवा करना जरूरी है। और जो कृष्ण के गुणानुकीर्तन में लगे रहते हैं, कि कृष्ण के गुणानुकीर्तन में लगे रहकर जब वो जनता की सेवा करे, या प्रजा की सेवा करे, या किसी भी और कार्य करे, सेवा करे मतलब कृष्ण कॉन्शियस तरीके से वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, खिलाना है उनको भूखों को, तो कृष्ण प्रसाद खिलाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, फिर वो सही है, वो परोपकार, वो समाज सेवा, जो कृष्ण कॉन्शियस हो वो परफेक्ट है। अदरवाइज जो है वो महात्मा नहीं कहा जा सकता है। तो महात्मा हमेशा कृष्ण के गुण कीर्तन में लगे रहते हैं, और उनके पास और कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। लेकिन ऐसे महात्मा को कई बार, जैसे ऐसा होता है कि अच्छा, इतना पढ़ लिख गए, IIT से पढ़ लिया, IIM से पढ़ लिया, और उसके बाद भक्त बन गए, और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं जो मंथली लाखों में कमाना चाहिए था, तो उनको सोचते हैं कि इनका जीवन तो बेकार हो गया। लेकिन शास्त्रों के अनुसार उनका जीवन ही एक्चुअली परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनके पास और कृष्ण सेवा के अलावा दूसरा कार्य नहीं रहता। जैसे कि हमने भगवद गीता में पढ़ा है, कर्म विकर्म अकर्म। तो कर्म करेंगे, सकाम कर्म शास्त्रों के अनुसार भी होगा, फिर भी भौतिक बंधन में रहना होगा। विकर्म करने पर तो नरक जाना ही पड़ेगा, जो पाप कार्य है। लेकिन अकर्म, जो कृष्ण की सेवा के लिए हम कार्य करेंगे, तो उसके लिए हमें कोई भी कर्म बंधन नहीं छुएगा। दूसरे शब्दों में, जो महात्मा होते हैं वो निर्विशेषवादी नहीं होता, इसलिए निराकारवादी भी महात्मा नहीं है। जब गुणगान का प्रश्न उठे, तो मनुष्य को चाहिए क्या गुणगान करना है? भगवान के पवित्र नाम का, जो हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं भक्त लोग।
या उनके नित्य रूप का, कितना सुंदर है कृष्ण, इतना सुंदर है कि जैसे प्रभुपाद जब बाहर, जब जैसे फॉरेनर्स पहली बार कृष्ण को देखा तो ऐसे पूछते हैं कि हु इज दिस गर्ल, ये लड़की कौन है। कृष्ण इतने सुंदर, मनमोहक, आकर्षणीय लगते हैं। तो नित्य रूप, कृष्ण के रूप का गुणगान करें, ये जो कथा चलता है भगवान के ऊपर, कृष्ण कथा, तो वो भी कीर्तन है। उनके दिव्य गुणों का गुणगान करें, कीर्तन करें, तथा उनकी असामान्य लीलाओं का प्रशंसा करके परमेश्वर को महिमान्वित करें, तो ये कीर्तन है। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, इसलिए महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है, भगवान के प्रति आसक्त रहते हैं महात्मा, किसी अन्य वस्तु के प्रति, किसी अन्य वस्तु की आकर्षण उनको नहीं होता है। तो अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, इसका ये लक्षण है कि भौतिक आसक्ति हमारा कम होता जा रहा है और कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अभी 50% है, फिर 60, 70, 80, 90, 100। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप यानी ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसको भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया। महात्मा बनने के लिए उसको शुद्ध भक्त होना होगा। महात्मा हमेशा भक्ति के विविध कार्यों में, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, तो इन सब में लगे रहते हैं। और ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में, 5 दिव्य रस क्या है? शांत रस, दास्य रस, सांख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। और इस प्रकार कोई भी एक रस में वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है भगवान को पाने के लिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तो इसी को पूर्ण कृष्ण भावना भावित कहते हैं। हर एक व्यक्ति का कृष्ण के साथ हो सकता है संबंध, वो उनके रुचि के हिसाब से हो। जैसे कोई भगवान को अपना स्वामी मानता है, स्वामी मालिक मानता है, तो दास्य भाव में है। कोई भगवान को पुत्र के रूप में, कि मेरा लल्ला है। वृंदावन में कई ऐसे भक्त हैं जो भगवान को अपना पुत्र मानते, लल्ला मानते हैं, या कई लोग ऐसा मानते कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है कृष्णा, सखा है। कई लोग पति या प्रेमी के रूप में, माधुर्य रस में मानते हैं। तो भक्ति में कुछ कार्य है जिसे दृढ़ व्रत कहा जाता है, तथा प्रत्येक जैसे एकादशी को या भगवान का जन्माष्टमी पर, गौर पूर्णिमा पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। तो महात्मा जन भली भांति जानते हैं कि हमारे भलाई के लिए है, तो क्या करते हैं, वो इन विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। तो जैसा कि इसी अध्याय के 2वें श्लोक में कहा गया है, 9वें अध्याय के, कि यह भक्ति ना केवल सरल है अपितु सुख पूर्वक किया जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, आपको भगवान को पाना है, तो आप हिमालय में जाइए, एक टांग पर खड़े रहकर, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का नाम जप कीजिए, हिमालय के ऊपर शिखर पर, जहाँ बर्फीली एकदम हवा है और ठंड है कड़क, कौन जाएगा? बोलेगा गेट लॉस्ट, मुझे बोलेंगे कि आप जाओ यहाँ से, आप बहुत व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं करने वाला, लाइक दैट। तो या कोई भी ऐसे बोले तो नहीं करेगा व्यक्ति। लेकिन भक्ति जो है वो बहुत सरल है, घर में रह के जिस स्थिति में है, नौकरी करने वाला है चाहे बिजनेसमैन है, वो कर सकता है, और सुख पूर्वक भी है। सुख भी बहुत है इसमें, दुख नहीं है। जैसे आप ध्यान योग प्रैक्टिस करने, जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी चले गए थे वन में रहना, एक तो आप ऐसे शहर में रह रहे हैं और एकदम से वन में रहना, वो भी ऐसे तपस्या करना, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए कोई कठिन तपस्या भक्ति के लिए आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में, सक्षम गुरु मतलब प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, भले ही हम किसी भी आश्रम में रहे, भक्ति कर सकते हैं और महात्मा बन सकते हैं। तो हर व्यक्ति को एक्चुअली महात्मा बनने का प्रयास करना चाहिए। गोस्वामी, जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रख सके, जो गो का स्वामी हो, यानी इंद्रियों का स्वामी हो। श्लोक नंबर 15, ज्ञानाय यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते,
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में और विश्व रूप में करते हैं। तो कई लोग जो है ज्ञान के अनुशीलन में, या आप कह सकते हैं ज्ञान योग में लगे रहते हैं, वो अध्ययन करते रहते हैं वेद, उपनिषद, पुराण। तो वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग जो है रूपों में हो सकता है भगवान की पूजा करें। जैसे कि भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य को नहीं जानते, वही महात्मा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, लेकिन वो विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। तो उसमें से ऐसे हमने पढ़ा भी भागवत गीता में, अर्थ नहीं दुखी व्यक्ति कृष्ण के पास आते हैं, अर्थार्थ जिसको धन चाहिए वो कृष्ण के पास आते हैं, या जिज्ञासु जिसको जिज्ञासा होता है हम आत्मा हैं, कहाँ से आए हैं इत्यादि, तो वो कृष्ण के पास आते हैं, और ज्ञानी, तो ये भी लोक है, ये भी भाग्यवान है क्योंकि धीरे धीरे वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं क्योंकि कृष्ण के शरण में आया है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं, इन्हें तीन कोटियों में रखा गया है। नंबर वन, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, कि हम दोनों में अद्वैत, हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हम एक ही है। या कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अच्छा हम भी भगवान बन सकते हैं, ऐसा लाइक दैट, तो कभी कोई आत्मा भगवान नहीं बन सकते। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं, और कुछ लोग भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। इनमें से सबसे अधम कौन है? जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी आजकल के जमाने में। तो कई गुरु अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, और इस प्रकार जो है उनको सबसे अधम कहा गया है, क्योंकि कोई भी आत्मा कभी भी परमात्मा या भगवान नहीं बन सकते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद का ही पूजा करवाते हैं, या खुद को ही भगवान मानने लगते हैं और अपनी पूजा खुद ही करते हैं। ये भी एक प्रकार की इष्ट पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वो भौतिक पदार्थ नहीं है, आत्मा है, लेकिन फिर भी उसको अधम कहा गया है। कम से कम ये भाव तो उसमें भी है ना कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा ठीक है कि अपने आप को शरीर समझते हैं नास्तिक आसुरिक प्रवृत्ति को धारण करने से। सामान्यतया निर्विशेषवादी, जो निराकारवादी है, वो इस प्रकार से परमेश्वर को पूछते हैं। दूसरे कोटि के लोग हैं जो देवताओं के उपासक है, वो कल्पना से सोचते हैं अच्छा ये देवता शायद भगवान है या वो देवता भगवान है, तो कल्पना से ही वो भगवान को मान के उस देवता की पूजा करते हैं। और तृतीय कोटि में जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, अर्थात इस ब्रह्मांड यानी विराट रूप जो भगवान का है, विश्व रूप है, तो ये ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। हालांकि ये भगवान का विराट स्वरूप है, तो ये भी एक प्रकार की पूजा है। इन तीनों प्रकार के इसमें बताया, बहुधा विश्वतो मुखम, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, तो ये तीन प्रकार से पूजा करते हैं। श्लोक नंबर 16, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहम् हामेवाज्यमहम् अहमग्निरहम् हुतम् मन्त्रोऽहम् हामेवाज्यमहम् अहमग्निरहम् हुतम्। तो इसमें भगवान कहते हैं कि सब कुछ कैसे भगवान ही है, तो इसमें बोलते हैं मंत्र अहम, अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। मतलब कृष्ण कहते हैं मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितर को दिया, पितर को जो तर्पण देते हैं कृष्ण कहते हैं वो भी मैं, औषधि भी मैं, दिव्य ध्वनि मंत्र जो है वेदों में वो भी मैं हूँ, घी अग्नि तथा आहुति भी मैं ही हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है, पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है या यज्ञ के लिए जो चीजें हैं, सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। तो मंत्र भी कृष्ण ही है, तो कृष्ण एक्चुअली सब कुछ कृष्ण में है और कृष्ण से अलग नहीं है।
तो यज्ञ में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी दुग्ध की वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है क्योंकि वो अग्नि पांच तत्व में से एक है। और कृष्ण कहते भी है कि एक बात ऐसा जो है कि भक्तों को खिलाने के उसमें कि दो प्रकार से कृष्ण ग्रहण करते हैं। एक तो यज्ञ में जब आहुति डालते हैं तो अग्नि कृष्ण का मुख है और ब्राह्मण या भक्त कृष्ण का मुख है। तो फिर भी कृष्ण कहते हैं कि मुझे भक्तों के मुख से खाना, ब्राह्मणों के मुख से खाना अच्छा लगता है। तो जब हम भक्तों को घर बुलाकर उनको प्रसाद खिलाते हैं ब्राह्मणों को, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तो ये हम भागवतम में भी पाते हैं कि जो अभी कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है वो पहले ही सारा तपस्या कर चुके हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके हैं, सारे वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, आर्यों का जो व्यवहार है वो सब संस्कार भी कर चुके हैं, तभी उनको कृष्ण भक्ति मिला है। तो भगवान ये सब भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली भगवान सब कुछ एक्चुअली भगवान है, क्योंकि भगवान से उद्भूत है ना। तो एक्चुअली भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है। तो एक भक्त इसलिए सब सब चीजों में भगवान का दर्शन कर पाते हैं, जो एक अभक्त नहीं कर पाते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 17वां। पिता मस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यं पवित्रम ओंकारा ऋक् सामाया जुरे वचा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। पितामह आप जानते हैं कि पिता के भी पिता, ऐसे जो पितामह है। तो भगवान हमारे माता भी है, माता पिता भी है, और पितामह भी है, आश्रय भी है। बोलते हैं कृष्ण में ज्ञेय यानी जानने योग्य अगर कुछ वेदों में है या समस्त ब्रह्मांड में है वो मैं हूँ, शुद्धिकर्ता। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र जो शुद्धिकरण करते हैं, तो इतना तीव्र गति से कोई भी और अन्य जो है यज्ञ या नहीं शुद्धि कर सकते। इसलिए संकीर्तन यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान शुद्धिकर्ता है, हालांकि और यज्ञ से भी करेंगे तो यज्ञ भी भगवान ही है, यज्ञ भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो इस प्रकार से भगवान ही शुद्धिकरण करते हैं, तो शुद्धिकर्ता भी भगवान ही है। और ओमकार, वेदों के हर एक मंत्र जो ओम से शुरू हुआ है भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद हूँ। तो कई लोग सोचते हैं कि अच्छा ये वेद उपनिषद पुराण जो है ये तो मनुष्य का दिया हुआ है, नहीं, लेकिन भगवान ही है। और भगवान का ये शब्द अवतार है, ये जो वेदों में वाक्य है इसलिए परफेक्ट है। जो परफेक्शन हमें भौतिक किताबों में नहीं मिल सकता है। तो ये है, जैसे कि बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे पहले वैज्ञानिक पृथ्वी को ऐसा फ्लैट समझते थे, लेकिन एक्चुअली हमारे वेद में लिखा गया है भूगोल की गोलाकार है। और ये बाद में फिर उनको जो है पहले ऐसा सोचते थे, फिर वो उसी बात पर आ गए कि हाँ नहीं गोल है। और जैसे पहले हमारे जो पृथ्वी है उसमें सप्तद्वीप कहा गया है हमारे शास्त्रों में, लेकिन पहले 6 द्वीप ही पता था। लेकिन जब जब तक अमेरिका जो कोलंबस अमेरिका नहीं गए। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी चीजें हैं वेद में जो परफेक्ट है। तो क्यों ना हम ऐसे खाएं, ऐसे जाके ऐसे खाने की क्या जरूरत है, ऐसे जाके ऐसे खाने से भी क्या लाभ होगा हमें। पहले ही हम वेदों को ग्रहण करें, पहले ही एक्सेप्ट करें, पहले ही इन चीजों को पालन करें तो हमारा कल्याण होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। तो कृष्ण की शक्ति से ही सब संपन्न हो सकता है। और हम जीवात्मा भी कृष्ण की शक्ति है, तटस्था शक्ति। तो इस प्रकार से कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। प्रकृति के सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होता है,
होते हैं, कोई वो भी कृष्ण के अंश हैं, कोई संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं, तो कोई भाई बहन के रूप में जन्म लेते हैं हमारे, तो हमारे साथ बहुत सारे संबंध है। तो ये सब जो है सब भगवान के ही अंश है और सब कुछ भगवान की ही शक्ति से होता है। इस श्लोक में धाता शब्द का अर्थ है स्रष्टा, माता धाता पितामह, धाता स्रष्टा। तो न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप है, बल्कि उनके जो स्रष्टा है, दादी दादा पिता के जो माता पिता है, माता के जो माता पिता है, वो भी कृष्ण का ही अंश है। तो ऐसे अगर हम जाएंगे ब्रह्मा जी तक तो देखेंगे ब्रह्मा जी भी कृष्ण का ही अंश है। इसलिए सारे वेदों का जो लक्ष्य है वो कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वो कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। तो इसलिए अगर कोई वेद पढ़े, मान लीजिए ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं और वेदों के आलंकारिक भाषाओं में फंस कर अगर वो सकाम कर्म करने में लग जाए तो उसका लक्ष्य नहीं है। ये निराकार ब्रह्म ज्योति भी वेद का लक्ष्य नहीं है, कृष्ण है वेद का लक्ष्य। तो इसी प्रकार जैसे कि हमारी स्वाभाविक स्थिति है कृष्ण के सेवक के रूप में, तब हम परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं जब हम इसे ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वो भी कृष्ण का ही अंश है, अतः कृष्ण भी है कि कृष्ण का अंश है। इसलिए समस्त वैदिक मंत्रों में जो ओम शब्द है जिसको प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और ये कृष्ण भी है। आपने देखा कि पहले जो युद्ध होता था, द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, या कर्ण, या भीष्म पितामह, या समस्त पांडव, या जो भी है, तो पहले मंत्र उच्चारण करके वो जो वान है उसको आवाहन करते थे। तो ये मंत्र ध्वनि से, या जैसे कि माता है, जैसे यशोदा माता भी कृष्ण के स्वस्थ अच्छा रहे उसके लिए बहुत सारे मंत्र बोलती थी। भगवान कृष्ण का ही नाम है सारा मंत्र। कहने का तात्पर्य है कि ये जो है ये दिव्य ध्वनि है जो हम आसानी से हमें मिल गया चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये जो दिव्य ध्वनि है, इवन समस्त वेद मंत्र इसमें समाये हुए हैं। तो ये कृष्ण एक्चुअली कृष्ण कहते हैं कि ये ओम जो है वो दिव्य ध्वनि कंपन भी कृष्ण है। और जो चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन सब में प्रणव यानी ओमकार प्रधान है, उनको कृष्ण ही समझना चाहिए, कृष्ण से अलग नहीं समझना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अच्छा सब सब कृष्ण है तो हम फिर ऐसा करते हैं कि हम किसी और की सेवा करते हैं, और की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भी तो कृष्ण है, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा निर्देश भगवद गीता में कृष्ण ने नहीं दिया। कृष्ण ने दो जगह पे एकदम स्पष्ट बोला, मन मना भव मद भक्तो, मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, साफ साफ कहा। तो इसलिए हमें कृष्ण के आदेश का पालन करना चाहिए। श्लोक नंबर 18 में भगवान कहते हैं, गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रालयः स्थानं निधनं बीजमव्ययम्। बोलते हैं कि मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो ये श्लोक भी कोई अगर हृदयंगम कर ले तो पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होने के लिए काफी है कि कृष्ण ही हमारा लक्ष्य है। हम बचपन से लक्ष्य पूछते भी हैं टीचर्स की, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर गोल, लेकिन एक्चुअली भक्ति में आने के बाद पता चलता है कि हमारा लक्ष्य केवल कृष्ण है और बाकी जो लक्ष्य है वो सेकेंडरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अगर भौतिक शरीर में आए हैं तो आपको जीविका अर्जन करने के लिए या पेट पालन करने के लिए, या आपके अंदर जो डिपेंडेंट है, आपके माता पिता हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, तो उनके लिए भी आपको कुछ ना कुछ नियत कर्तव्य करना होगा। तो ये जो है ये सेकेंडरी है एक्चुअली।
वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आपके पास वो आता रहेगा, बस आपको कर्तव्य में लगे रहना है। लेकिन प्राइमरी लक्ष्य जो है हमारा कौन है, कृष्ण है, पालन करता। हम सोचते हैं हम पालन कर रहे हैं, हम हमें सैलरी मिल रहा है या बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हम पालन कर रहे हैं इन लोगों का। नहीं, पालन करता भी कृष्ण ही है, स्वामी मालिक कृष्ण है, रियल बॉस कृष्ण है। जो कृष्ण को बॉस मानते हैं वो कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। साक्षी कृष्ण है, अगर हमें पता चले कि कृष्ण हमारे हर पल देख रहे हैं साक्षी रूप में, तो हम हर कार्य कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कई बार कि कृष्ण हमें देख रहे हैं, हमारे अंदर क्या भावना आ रहा है गलत वो भी कृष्ण देख रहे हैं। जैसे आपके सामने कोई है तो आप उनके सामने कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उनका इंप्रेशन खराब हो जाए ना आपके प्रति। तो ऐसे ही कृष्ण हर समय है, हर जगह है, साक्षी रूप में। ये अगर हम पूरी तरह से मान सके तो काफी भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक होता है। कृष्ण ही जो है धाम, शरण स्थली, आश्रय है और अत्यंत प्रिय मित्र है, सुहृत, प्रिय मित्र। कृष्ण से ज्यादा जो है प्रिय मित्र या बेस्ट फ्रेंड हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रय भी हूँ और अविनाशी बीज भी हूँ। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है भगवान, एक्चुअली भगवान जब चाहते हैं ना तो वो कभी भी सृष्टि भी कर सकते हैं और प्रलय भी, या जन्म भी दे सकते हैं और मरण भी। तो इसलिए सब कृष्ण के अधीन जानकर भक्त स्वीकार करते हैं हर परिस्थिति को। तो गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चरम लक्ष्य कृष्ण है, लेकिन बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं। जो कृष्ण को नहीं जानता है वो पदभ्रष्ट होता है, और थोड़ा जो उसको भौतिक प्रगति होता है वो भ्रम पूर्ण होता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो कृष्ण को लक्ष्य नहीं बनाते हैं, देवताओं को अपना लक्ष्य बनाते हैं और उसके अनुसार कठोर नियम का पालन करते हुए चंद्रलोक जाते हैं, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे आदि लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सब लोक भी भौतिक बंधन ही है। तो ये जो है विराट स्वरूप में तो आते हैं कृष्ण के, लेकिन फिर भी कृष्ण ही चरम लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधा कृष्ण तक पहुंचे, ऐसा नहीं कि उनके किसी सेवक के या शक्तियों के इसके, नहीं, वो कृष्ण तक सीधा पहुंचे। कृष्ण ने यही कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि देवताएं जो है वो पूजा का भाग कृष्ण को ही देते हैं और कृष्ण का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग है, अप्रत्यक्ष जो तरीका है वो त्रुटिपूर्ण है। तो प्रत्यक्ष सीधा कृष्ण की हमें सेवा करना चाहिए, ये बताया गया है। जैसे कि उदाहरण प्रभुपाद ने देते हैं कि यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है तो हम सीढ़ी से क्यों जाएंगे। आपको मान लीजिए 10वीं फ्लोर पर जाना है, नहीं नहीं मैं लिफ्ट यूज नहीं करूंगा, 10वीं हो 15वीं हो 20वीं हो, मैं सीढ़ी से ही जाऊंगा, तो आप लिफ्ट से तुरंत पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की सीधा अगर कोई भक्ति करते हैं तो बहुत समय की बचत होती है, बहुत जन्मों की बचत होती है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। तो कृष्ण परम शासक है, देवताओं के भी शासक है या जितने भी शासक है ब्रह्मांड में सबका, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। हम जिस घर में रहते हैं, देश में या लोक में, वो सब कुछ कृष्ण का ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। किसी और के पास नहीं जाना हमें रक्षा के लिए, कष्टों कष्ट हमारा कम हो या, तो कृष्ण की शरण ग्रहण करने से वो हो जाएगा। तो हमें शरण लेना है तो कोई ऐसा प्रकट व्यक्ति होना चाहिए, जीव होना चाहिए। तो कृष्णा परम जीव है, श्रेष्ठ जीव है। तो इस प्रकार से चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। तो
तो इस प्रकार जो है इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें इधर उधर हमारा ध्यान जो जाता भी है तो इसमें से लाके हमें कृष्ण में लगाना है, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते हुए हम अपना घर जो है वहाँ वापस जा सकें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।